Hello students, very good morning. Today we are going to solve the problems of problem set 16. These are the word problems, very easy problems. Only you have to give attention here. See here. From a total of 10,000 rupees, Anna donated 7,000 rupees to the school. एक स्कूल अन्ना के पास टोटल 10,000 रुपीज थे. अन्ना ने डोनेट कर दिया 7,000 एक स्कूल को. द रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सिक्स स्टूडेंट्स. जितना जो रिमेनिंग अमाउंट है, सी स्टार्टिंग से अन्ना के पास कितने रुपीज थे? 10,000. अन्ना ने डोनेट कर दिया स्कूल को कितना? 7,000. कितने बचे? 10,000 में से 7,000 जाने के बाद 3,000. तो 3,000 मीन्स द रिमेनिंग अमाउंट was to be divided equally among the six students. बांटना है कितने लोगों में, कितने students में? Six students में. As the all-round student prize बोल के six students को देना है 3,000. तो what was the amount of each prize? Six students है और 3,000 है हमारे पास. तो हर एक को कितना देना पड़ेगा? 500 rupees देना पड़ेगा. तो इसे 3,000 को 6 से divide करो, है ना? तो you will get the answer, that is a 500. So we'll solve the step by step with you. Anna ke paas pehle kitne rupees the? 10,000. And amount with Anna. Anna ke paas kitne rupees hai? 10,000 rupees hai. Yes, Anna ke paas kitne rupees hai? 10,000 rupees. Kitna donate kar diya? Amount donated to a school. Ek school ko amount donate kar diya. और कितना अमाउंट डोनेट कर दिया उसने? 7,000 डोनेट कर दिया. ओके, तो 10,000 माइनस 7,000 कीजिए. एक आपको एक के लिए नीचे लिखा तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे माइनस लिख दो. 10,000 में से 7,000 माइनस करो 3,000, और ये 3,000 क्या है? अमाउंट लेफ्ट विद द अन्ना. अमाउंट व्हाट लेफ्ट विद अन्ना. अन्ना के पास कितना बचा? कितने पैसे बचे? 3,000 बचे. 10,000 थे, 7,000 स्कूल को डोनेट कर दिया, तो उसके अन्ना के पास कितने बचे? 3,000. दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट, एंड दिस अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली इनटू द सिक्स स्टूडेंट्स. सिक्स स्टूडेंट्स में अपने को बांटना है, तो सिक्स स्टूडेंट में बांटना है, तो सिक्स, हाँ, 3,000 को 6 से डिवाइड करेंगे. 3,000 डिवाइड बाय 6, तो अभी एक वन डिजिट देखो, सिक्स बड़ा है, थ्री बड़ा, डेढ़ बड़ा है, सिक्स बड़ा है, तो दो डिजिट ले लो. सिक्स फाइव 30, हाँ, सिक्स फाइव 30, तो यहाँ पे फाइव आएगा. 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा. ऊपर एक जीरो, नीचे इधर ले लो, फिर सिक्स जीरो जीरो, हाँ, जीरो माइनस जीरो जीरो, यहाँ पे सिक्स जीरो जीरो बोला तो यहाँ पे क्वेश्चन जीरो रहेगा. और इधर का एक जीरो लिया था, और यहाँ बाकी है, और लेना पड़ेगा जीरो, फिर से यहाँ पे जीरो का डिविजन कर अपने को लेना पड़ेगा. और यहाँ पे जीरो इन द सेम, वट एवर द क्वेश्चन इज देयर दैट इज द आंसर. मीन्स हर एक स्टूडेंट्स को 500 रुपीज बांटना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 रुपीज है, 3,000 रुपए है, और हर एक को 500 रुपीज देना पड़ेगा. देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इच प्राइज इज कितना? 500 रुपीज. अमाउंट ऑफ इच प्राइज 500 रुपीज. ओके, you understand everybody? Is there any doubt in this? Okay, very good. Let's see the next problem. See here. अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन सेकंड आंसर है, देखिए. An amount of 260 rupees was collected from 50 students for a picnic. I'll write the question here. Question second. An amount of 260 rupees, which was collected from 50 students. Collected from 50 students for a picnic. If
11,450 rupees were spent for the picnic. Were spent for the picnic. Were spent for the picnic. What is the amount left over? Okay. एक मिनट इंक डालेंगे इसमें. बच्चों आपको समझ में आ रहा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो, क्या है बोर्ड के ऊपर दिया है, एक बार अच्छे तरह से रीड किया तो आएगा डेफिनेटली. सीयर एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीस ईच वॉच कलेक्टेड. अमाउंट कितना? 260 रुपीस ईच वॉच कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स. 50 स्टूडेंट्स से हर एक से 260 रुपीस कलेक्ट कर दिया. 11,450 रुपीस spent for the picnic. पिकनिक में 11,450 रुपीस खर्चा हो गया टोटल. What is the amount left over? कितना अमाउंट रहा बाकी? वो आपने को फाइंड करना है. ठीक है? See here. पहले हम what is 260? Amount collected from each student. या amount given by each student है ना? 260 amount collected by each students. Collected by each students. हर एक student से amount कितना collect कर दिया? अमाउंट कलेक्टेड बाई स्टूडेंट इज इक्वल टू दैट इज 260 रुपीज हर एक से. और कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास? 50 स्टूडेंट्स से. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50. सो टोटल रुपीज कितना हुआ दैट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट. ओके, 260 इंटू 50 विल मल्टीप्लाई. तो कितने रुपीज कलेक्शन हो गया वो देखेंगे पहले. 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, ये तीनों 0 आएगा. फिर यहाँ पे एक 0 देना पड़ता है, आपको पता है, या प्लस दे दिए, नो प्रॉब्लम. 5 × 0 = 0, 5 × 6 = 30, 0 carry 3, 5 × 2 = 10, + 3 = 30. ओके, व्हाट आई हैव डन हियर नाउ, यू हैव टू ऐड दिस. 0 + 0 = 0 आएगा, 0 0 3 and 1 मींस 13,000. ये क्या आया? टोटल खर्चा हो गया, अमाउंट कलेक्शन हो गया. टोटल 13,000 कलेक्शन हो गया. और कितना रुपए आपने को देना है? 11,450 रुपए ये खर्चा हो गया. तो कितना बचा? 13,000 में से 11,450 माइनस करना पड़ेगा. ओके, नाउ सी, वेरी इजी है, देखो अभी वन मिनट क्या करेंगे. अभी इसके बाद हम यहाँ पे जो लिखूंगा उसके नीचे लिखेंगे. ओके, 11,450 टोटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे उसको. कितना खर्चा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर इन ट्रिप पिकनिक में? कितना खर्चा हो गया पिकनिक में? 11,450 रुपीज इतना खर्चा हो गया. और अमाउंट इतना, व्हाट इज 13,000 क्या है? ये टोटल कलेक्शन हो गया 13,000. ये टोटल कलेक्शन है. ओके, अभी क्या करना है आपने को? कितना अमाउंट लेफ्ट हो गया वो फाइंड करना, मींस कितना अमाउंट बचा. अमाउंट लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू 13,000 माइनस करेंगे 11,450. 13,000 में से 11,450 माइनस करो. आप ऐसे माइनस किया तो चलेगा, और सेपरेटली यहाँ पे एडिशन वैसे माइनस किया तो चलेगा. देखो 13,000 में से आपको क्या माइनस करना है? 11,450. ऐसा आप रफ में क्या चेक कर सकते हैं. 0 - 0 = 0, इधर का इधर ले लो 10, 10 माइनस 5 = 5 होगा, इधर 9 रहेगा, 9 माइनस 4 = 5. ओके, इधर कितना रहेगा? 2, 2 माइनस 1 = 1. अब ये 1,550 रुपीस रहेंगे. ओके, ये बाद में लिखा रफ में ऐसा लिखना है. ओके, अमाउंट लेफ्ट ओवर, अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू. ओके, बाय.